सर मैं हूं आपके साथ आलोक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। लखनऊ से सीएम योगी की कोरोना संक्रमण पर बैठक, स्वास्थ्य परामर्श समिति की बैठक चल रही है, विशेषज्ञ डॉक्टर्स कोरोना प्रबंधन पर राय दे रहे हैं। तो बड़ी खबर, स्वास्थ्य परामर्श समिति बैठक चल रही है, विशेषज्ञ डॉक्टर्स जो है वो कोरोना प्रबंधन पर अपनी राय दे रहे हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, चुनाव भी बहुत ज्यादा कोई दूर नहीं है, अब इसको लेकर के अब मामले किस तरीके से रोके जा सकते हैं, किस तरीके से सावधानी बरती जा सकती है, तो कोरोना पर बैठक, स्वास्थ्य परामर्श समिति की बैठक चल रही जिसमें डॉक्टरों का एक विशेष पैनल मौजूद है जो अपनी राय दे रहा है। तो स्वास्थ्य परामर्श समिति की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक बैठक चल रही है और ज्यादा जानकारी के लिए बात कर रहे हैं अपने संवाददाता अभिषेक पांडे से। अभिषेक, कोरोना पर बैठक चल रही है, क्या कुछ खबरें निकल करके आ पा रही हैं? देखिए, डॉक्टर्स की एक समिति बनाई गई थी, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उस विशेषज्ञ समिति के साथ उन्होंने बैठक की है और माना जा रहा है कि कोविड के जो बढ़ते हुए मामले उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, सरकार कुछ नई पाबंदियों को इम्पोज कर सकती है। ये समिति इससे पहले ही बनाई गई थी पिछले कोरोना के वेव में और ये देखा गया था कि डॉक्टर्स की राय के हिसाब से समय समय पे बदलाव किए गए थे, गाइडलाइंस को सुझाव के हिसाब से बदला गया था। तो माना जा रहा है कि आज डॉक्टर्स की विशेषज्ञ समिति की बैठक के आधार पे जो पॉइंट आएंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार कोरोना के रोकने के लिए कुछ नए और कड़े कदम उठा सकती है। जी अभिषेक, जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन जारी है, विशेषज्ञ डॉक्टर्स कोरोना प्रबंधन पर अपनी राय दे रहे हैं, आने वाले समय में कुछ जरूर नई गाइडलाइंस सामने आ सकती है, जिस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है अभिषेक? जी हाँ बिल्कुल, आप देखें देश के दूसरे हिस्सों में तमाम राज्य सरकारों ने कड़े कदम उठाए हैं, कड़े प्रबंध किए हैं, उत्तर प्रदेश में भी हालांकि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आने वाले वक्त में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही कोविड के केसेस और भी ज्यादा बढ़ेंगे तो यहाँ पर पाबंदियां और सख्त होंगी। आपको एक अपडेट दे दूंगा, कल 572 केस नए केस उत्तर प्रदेश में मिले थे और आज 992 केस, यानी जिस रफ्तार से नए केसेस मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो माना जा रहा है कि इस डॉक्टर्स की समिति के आधार पर कुछ नए प्रबंध करने होंगे, नए कोविड अस्पतालों का निर्माण भी कराया जा सकता है, जैसे कि केंद्र की सरकार ने रिजर्व बेड्स की बात कही है, तो डॉक्टर्स की ओपिनियन बहुत अहम होती है इसमें और आज माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद जरूर कुछ सरकार और कदम उठाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।